हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, इंडियन इन्फोटेक एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और स्टॉक को बताया था कि होल्ड करके चलिए, दोबारा से रिवर्सल करेगा स्टॉक। और क्योंकि एक तो मार्केट डाउन थी, स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका था और यहाँ से नीचे गिर के जाएगा का मैंने बहुत बार बताया भी आपको। और लगातार अब तीसरे दिन जो है स्टॉक ने अपर सर्किट के साथ अपनी एंट्री दी है। आज फिर से जो है क्लोजिंग जो है अपर सर्किट में ही देने वाला स्टॉक। तो क्या कुछ आगे की स्ट्रैटेजी जो है इंडियन इंफोटेक शेयर के अंदर होने वाली है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है या करने की सोच रहे हैं, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो देखिए, अगर आज की बात करूं तो मार्केट जब ओपन हुई थी तो कल की जो क्लोजिंग थी 3 रुपए 40 पैसे की, उससे जो है ऊपर ही यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम में ही स्टॉक ने अपनी एंट्री दी थी और वो धीरे धीरे देखिए लगभग आधे दिन के बाद जो है स्टॉक आपको अपर सर्किट में जाते हुए देखने को मिल गया। यानी कि स्टॉक के अंदर 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है लगातार तीसरे दिन और 17 पैसे की तेजी के साथ जो है स्टॉक आज 3 रुपए 57 पैसे पे आज फिलहाल में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात अगर देखिए 5 दिन की करूँ तो 5 दिन में 12% तक के रिटर्न दे दिए स्टॉक ने। लगभग 39 पैसे की बढ़त जो है हमें देखने को मिल रही है और 3 दिन से ही स्टॉक जो है अपनी क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहा है। तीसरा दिन है, 2 दिन में अपनी क्लोजिंग जो है वो अपर सर्किट में दे चुका है और आज भी जो है स्टॉक आपको अपर सर्किट के साथ ही क्लोजिंग देते हुए नजर आएगा, क्योंकि इतना नीचे आ चुका था स्टॉक जो ऊपर के लेवल से जो बाइंग जो बाउंड वीक हाई लेवल था, बाउंड वीक का जो नया टारगेट बनाया था स्टॉक ने, वहां से जो है ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे आ चुका था और यहाँ से जो है एक अप मूवमेंट अब स्टार्ट कर दिया है इंडियन इंफोटेक शेयर ने। बात अगर एक महीने की करूँ तो 20% से ऊपर के गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर। लगभग लगभग 91 पैसे तक की गिरावट स्टॉक में एक महीने के अंदर हो चुकी है। बात अगर 6 महीने की रिटर्न्स की करूँ तो 13.5% तक की गिरावट जो है स्टॉक में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर एक साल की बात करूँ तो एक साल में 450% तक के पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। 12-13 रुपये का एक हाई लगाया, 12.88 रुपये तक जो है स्टॉक गया ऊपर तक और वहाँ से जो है स्टॉक गिर के देखिए 3 रुपये तक आ चुका था। और मैंने कहा था कि यहाँ से स्टॉक जो है आपको कभी भी रिवर्सल करते हुए नजर आ सकता है और लगातार तीसरे दिन देखिए स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिल रही है इंडियन इंफोटेक शेयर के अंदर। बात अगर आज के बाइंग और देखिए बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर की करूँ तो सिर्फ 1200 शेयर यहाँ पे हमें सेलिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं और 63 लाख शेयर जो है वो हमें यहाँ पे बाइंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं इंडियन इंफोटेक शेयर के अंदर। और वॉल्यूम की बात करूँ तो आज 1 करोड़ से ज्यादा शेयर का वॉल्यूम जो है इंडियन इंफोटेक शेयर के अंदर ट्रेड हो चुका है। यानी कि स्टॉक जो है अब रिवर्सल में आ चुका है, यहाँ से स्टॉक की डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि वॉल्यूम देखें आप 1 करोड़ शेयर की हेरफेर हो चुकी है। मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, अदला बदली, यानी कि शेयर खरीदे या बेचे गए तो 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी स्टॉक के अंदर आ चुका है और 64 लाख के आसपास जो है शेयर्स यहाँ पे हमें बाइंग ऑर्डर में आज इंडियन इंफोटेक शेयर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बात अगर कंपनी के ओवरव्यू की करूँ तो 350 करोड़ का मार्केट कैप होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, जैसे अपर सर्किट लगेंगे स्टॉक में तो वैसे वैसे मार्केट कैप जो है इंक्रीज होता जाता है। अब बुक वैल्यू पर शेयर 2.28, देखिए बुक वैल्यू पर शेयर के आसपास ही स्टॉक आ चुका था, 2.5 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू पर शेयर और 3 रुपए पर स्टॉक ऑलरेडी आ चुका था। तो यहाँ पे मैंने कहा था स्टॉक जो है यहाँ पे अंडर वैल्यू कंडीशन में आ चुका है कि यहाँ से नीचे स्टॉक नहीं जाएगा और वहां से जो है स्टॉक ने रिवर्सल किया और एक लगातार तेजी जो है तीसरे दिन आप स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूँ तो 29.59 है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1.57 की हमें इंडियन इंफोटेक की देखने को मिल रही है। बात अगर टेक्निकल चार्ट की करूँ तो देखिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना के 3 रुपए के आसपास स्टॉक ने और ऊपर रिवर्सल कर लिया है और RSI लेवल जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया, यानी कि 45-47 के अराउंड यहाँ पे हमें RSI लेवल देखने को मिल रहा है। यानी कि फ्रेश एंट्री तो आप अभी भी ले सकते हैं स्टॉक के अंदर, अगर आपने ऊपर के लेवल पे खरीदा था तो आपका लॉस जो है धीरे धीरे करके रिकवर होगा। बट लेकिन ध्यान जरूर रखें कि इतना ऊपर नहीं होगा कि अगर किसी ने 11-12 रुपये पे बाइंग की थी तो वहां तक स्टॉक नहीं जाएगा अभी, क्योंकि इतना पोटेंशियल नहीं है स्टॉक में अभी की कंडीशन में कि भी स्टॉक जो है दोबारा से आपको 11-12 रुपये पे जाते हुए देखने को मिल जाए। बट धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा तो RSI लेवल भी बढ़ेगा, RSI लेवल बढ़ेगा तो फिर से गिरावट होगी स्टॉक में, करेक्शन होगी। और मार्केट आपको पता है कि आज जैसे ओपनिंग हुई थी मार्केट की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन मार्केट जो है धीरे धीरे रिकवरी करते करते 1% की तेजी के आसपास यहाँ पे आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी आपको देखने को मिल रहे हैं। बात अगर वॉल्यूम की करूँ तो आज 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, कल 93 लाख शेयर्स का था, एक वीक की एवरेज जो है 67 लाख शेयर्स की देखने को मिल रही है और एक महीने की एवरेज जो है वो 2 करोड़ शेयर्स की हमें यहाँ पे इंडियन इंफोटेक शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। बात अगर प्रमोटर होल्डिंग की करूँ तो लगभग 16.5% जो है प्रमोटर हैं और 83.56 जो है वो पब्लिक के पास में, यानी कि पब्लिक सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड स्टॉक के अंदर, इस वजह से कि स्टॉक जो है डेट फ्री एक तो, और कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो बड़ी तेजी दिखा चुका था पहले ही और वहां से जो गिरावट हुई उसके बाद से जो है स्टॉक में जो है लोगों का रुझान कम हुआ और अब जो है दोबारा से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है तो लोगों का रुझान दोबारा से इंडियन इंफोटेक की तरफ बढ़ने लगा है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आप लोग जो हैं वीडियो के बाद, जिन्होंने वीडियो देखा, तो देखिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जो है आप ऐड हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी।